गलतियां हुई है ना, अखिलेश जी ने क्या कहा है, बाइट चलाई हमने, अखिलेश जी ने यही कहा ना कि वहां इंतजाम होने चाहिए थे, वो विपक्ष के नेता की तो जिम्मेदारी नहीं थी ना। आपको मैं मौतें तो के हुई बारे में बता रही हूँ, नहीं, मौतें हुई उस पे क्या, के बारे में उस पे क्या जो मैं मौतें दूसरी हुई, बाइट के बारे में बता रही हूँ जहाँ वो हंसी मजाक कर रहे हैं, इन लाशों के ऊपर सियासत खेल रहे हैं। ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये निर्दोष लोग मरे हैं, और जो बाबा है जिसने 24 घंटे बाद मुंह खोला है, वो स्टैम्पीड होते हुए वहीं पे खड़े थे, उनको सब दृश्य पता है। 24 घंटे लग गए उनको अपना बयान देने के लिए, पुलिस कप्तान और भी कहां उन्होंने थे, सब कुछ नहीं पुलिस कहा। कप्तान कहां थे, जिला अधिकारी कहां थे हाथरस के, जब ये बिल्कुल, ढाई मैं तो लाख ये कह रही बिल्कुल हूँ, मैंने नहीं, तो ये स्पष्टता कहा है, डीजीपी ऑफिस कहां था, डीजीपी ऑफिस मैंने ये कहां बात था। स्पष्ट रखी है कि ये अरे बातें तो है ही है, लैप्सेस अरे बहुत ये हाँ सारे ही थे, राजनीति छोड़ लेकिन दीजिए, सियासत नहीं खेली जा सकती। संवेदनाएं हैं तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाबा ने झुकना बाबा के है, खिलाफ इस मामले में मुकदमा नहीं है, लेकिन और बाबा कई के खिलाफ तो बहुत मुकदमे क्यों हैं, नहीं हुआ उनके आज ऊपर तक, यौन शोषण का भी मुकदमा है। अरे बाबा क्यों को तो नहीं रहने दीजिए, हुआ, कौन से बाबा, कहाँ के बाबा, यौन शोषण का, यहां तक कि कोविड में उन्होंने आप कोई मेरे झूठ सवाल नहीं मुझसे पूछ बोले रही, हैं। मैं जवाब नहीं, आप लोग बताइए, आप लोग मैं तो बताइए कि आपको बता क्यों रही ऐसे हूँ बाबा कि उन्होंने इतने, कोविड में भी मैं बहुत सारे रूल्स गुरु माँ तोड़े थे, कंचन यौन गिरी जी के पास शोषण का चलूंगा, उनके ऊपर आरोप है, कई FIR इन बाबा के ऊपर ऑलरेडी पहले भी दर्ज है। अगर हुआ आप क्या मैनिपुलेट उनमें, कर पा रहे हैं चीजों को, तो वो बाबा जी बहुत ज्यादा शातिर हैं, उन्होंने मैनिपुलेट किया है चीजों को। कैसे, उनके उसके ऊपर तो अभी तक जिम्मेदार कौन एफआईआर नहीं हुई, वो है, कहाँ भाग गए, वो भागे कहाँ हैं, वो भीड़ में वहां पर उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी, वो ऐसी गाड़ी में बैठे और पूरी टीम के साथ, 9 तो 11 हो गए, आखिर कहाँ भाग गए वो बाबा, कौन संरक्षण दे रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस बाबा को संरक्षण दे पॉलिटिकल रही है, पार्टी के खिलाफ भी ऐसे मुकदमा बाबाओं को दर्ज होना संरक्षण चाहिए, मिलता है। अगर संरक्षण दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो अगर वो संरक्षण दे रहा बिल्कुल है, लेकिन करिए बिल्कुल, ना, रोक कौन रहा है, चला कैसे गया, वो सीओ मिलने क्यों बिछुआ गांव में गए थे, मैनपुरी में रात में 11:30 बजे भी गए हैं और सुबह 6:30 बजे भी गए हैं, क्यों गए, वहां किसके रेट डाली, क्या निकला, क्या बताया, सिर्फ आके ये कह दिया बाबा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अगर संरक्षण दे रही, तुरंत मुकदमा कीजिए, जी बिल्कुल, एक्शन होना चाहिए और मैं गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कह रही हैं, आपका हो सकता है कुछ हो, मैं अभी आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नहीं, भी, मेरा कुछ नहीं है, मैं नहीं नहीं सिर्फ आप बाबा की बोली, गिरफ्तारी, जिसने निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, निर्दोष लोगों की हत्या हुई है, बरखा सीधी जी सी किसने बात ये शुरुआत है, की, अभी तक कोई गिरफ्तार हुआ, अभी तक कोई कोई गिरफ्तार गिरफ्तार, नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टियों को करना था, मैं तो कहता हूं ना बीजेपी को करना है, ना कांग्रेस को करना है, ना समाजवादी पार्टी को करना है, ना बीएसपी करना है, जो प्रशासन में वो लोग क्या कर रहे हैं। गुरु माँ माँ कंचन गिरी जी के पास चलता हूं मैं, अच्छा वो अभी शायद हमारे साथ नहीं जुड़ पा रही हैं, मैं दीपक जी के पास चलता हूं, दीपक जी एक टिप्पणी पहले आपकी इस घटना पर, आप क्या मानते हैं पहले मैं वो समझना चाहता हूं, फिर चलता हूं मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। पहले तो ये इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना है कि इस पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, बिल्कुल और बहुत ही मतलब दर्दनाक और दुखद घटना है। सबसे पहली बात, क्योंकि जो लोग, जिनके परिवार खत्म हो गए, वो उनके लिए आजीवन के लिए एक बहुत बड़ा कष्ट जो है वो हो गया। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह की कोई घटना होती है ना, तो कोई एक लैक नहीं होता, मल्टीपल समस्याएं, मल्टीपल डायरेक्शन में जो है लैक्स होते हैं। एक छोटा सा दुर्गा पूजा का पंडाल लगता है तो वहां पर 10 विभागों से परमिशन, जांच, एग्जिट, इनपुट, तमाम चीजों को, फायर की व्यवस्था देखनी होती है। जहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहां प्रशासन से भी चूक हुई है, क्योंकि जब लोकल एरिया में होता है तो लोग ध्यान नहीं देते, खाना पूर्ति खाली करते हैं पेपर पे। ये कमी तो बहुत बड़ी है कि खाना पूर्ति हुई। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आयोजक की, क्योंकि अगर किसी के क्षेत्र में प्रशासन की व्यवस्था बाहर से और चीजों को देखने की होती है, लेकिन जब अंदर कोई चीज डिस्टर्ब हो रही है, तो जो आयोजक है उन लोगों ने क्या किया था,
व्यवस्था कैसी रखी, तू नहीं पता है कि जब जहां लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं वहां कोई भी इस तरह की घटना हो सकती है, भगदड़ की घटना हो सकती है, आग की घटना हो सकती है, कहीं कोई अराजक तत्व वहां पर कोई हरकत कर सकता है। एक्चुअल में क्या हुआ वो तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन घटना संभावना की होती है जहां इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। तो आयोजकों की भी इसमें बहुत भारी चूक और गलती है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही है। लापरवाही ये है कि आप जब जब उनको परमिशन देते हैं, एनओसी देते हैं चीजों की, तो आप क्या जा करके मौके पे मुआयना करते हैं या अपने ऑफिस में बैठ करके एनओसी दे देते हैं। वास्तविकता ये होती है, हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, हमें पता होता है मौके पर मुआयना अधिकांश विभाग नहीं करते हैं। आप जाइए पेपर लेके, अप्लीकेशन लेके, आपसे खाना पूर्ति करेंगे, साइन कराएंगे, आपको सर्टिफिकेट एनओसी दे देंगे, ठीक है जाकर करिए ना। और ना कोई घटना स्थल पर आकर के कोई उस समय देखता है कि इतने लोग आ रहे हैं तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है और वो ठीक है कि नहीं है। तो मैं इसको दोनों तरफ से जबर बड़ी लापरवाही देख रहा हूं, और ये कोई न पहली बार है और न ही मुझे, मैं राव साहब से सहमत हूं कि बार बार इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, चार रिपोर्ट्स आएगी, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक सिस्टम है, सरकार चाहे किसी की रहे और आए या जाए, एग्जीक्यूशन की समस्या बहुत बड़ी है। सजेशंस आएंगे, पॉइंट नोट किए जाएंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होते, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो इस वजह से घटनाएं ये बार बार होती हैं और इसकी इसकी जो है पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ये एक तरफ की गलती नहीं है, ये प्रशासन और आयोजक दोनों तरफ ही इक्वल जिम्मेदारी, मेरी समझ से इक्वल जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से भी है, लेकिन जिस तरीके से राजनीति होना शुरू हो गई है, खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तस्वीर वायरल हो रही है, क्योंकि सुबह सदन शुरू होने से पहले अखिलेश यादव कहते हैं कि टाइम पे नहीं पहुंचा, जो घायल थे उनमें से जो सीवियर इंजर्ड थे उनको बचाया जा सकता अगर टाइम पे मिलता, ये भी सवाल जायज है। और मैंने कहा कि आप करें, पॉलिटिकल पार्टी अगर है सम्मिलित तो इसमें फिर वो तो 3 लाख लोग जुटे ना, शायद इसीलिए पॉलिटिकल नेता भी वहीं जा रहे हैं और वो बच रहे हैं। एक छोटा सा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा सदन हंगामा मचने लगता है। इन 122 लोगों की कीमत का क्या है? नहीं, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, बिना संरक्षण के इतने लोग हो नहीं सकते, संरक्षण रहता है। और इसमें राजनीतिक रोटी भी नहीं सेकनी चाहिए, क्योंकि जरूरी हर मामला राजनीतिक, इसमें आप शिकायत बिल्कुल प्रशासन की गलती है, लापरवाही है, वहां के जो जो अस्पताल लोकल वहां पर पता चला कंपाउंडर बैठा हुआ है। जब राजनीतिक संरक्षण पहले से रहा होगा ना तो LIU क्या करता है, सरकार के पास रिपोर्ट तो सब जाती वही है ना। तो कह रहा हूं, प्रशासन, वही बात मैंने कही कि ये प्रशासनिक चूक भी है, जबरदस्त खाना पूर्ति की गई है, चीजों को देखा नहीं गया है। वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि लोग पेपर पे जो NOC देते हैं जाकर के मौके पे मुआयना नहीं करते। LIU आता अपना मस्ती से, उसको उसको क्या लेना देना कि यहाँ पर भीड़ इतनी बढ़ गई तो यहाँ पे कोई घटना हो सकती है, उससे संबंधित एक्शन लें। तो अगर यह सूचना चली भी गई तो एक्शन नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर एक दूसरे पे टोपी ट्रांसफर की जाती है। राव साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे, कमेटी बैठेंगी, चीजें होंगी, चीजें बनेंगी, लेकिन वो इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूशन नहीं होता। ये सबसे बड़ी समस्या किसी भी राजनीतिक दल की और किसी भी प्रशासनिक सरकार की है। गुरुमा कंचन गिरी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्या? दरअसल बरखा जी आपसे मैं पूछ लेता हूं, क्या ये बाबा रातों रात इतने बड़े नहीं बनते? आप भी सोशल लाइफ में, ये कैसे एक जो 95, 96, 97 में एक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद पर होता है वो सस्पेंड हो जाता है और वो आज आप देखिए कहां से कहां, उसकी पूरी एक सेना है, 6-6 जिलों में उसके घर मकान व्हाइट हाउस, कैसे ये कहां से इतना, वो एक राजनीतिक दल तो संरक्षण देके उनको बड़ा नहीं कर देगा, ये समाज में कतई चेतना कहीं से, मतलब कोई बताने वाला नहीं है। जो जमीन कब्जों में फंसा हो बाबा, जिसके ऊपर एक एक नहीं दो दो मुकदमे हो, और वो इतना बड़ा है उपदेश दे रहा है कि मैं प्रलय को कंट्रोल कर सकता हूं, कुछ भी हो सकता है, सब जयकारे लग रहे हैं, ये एक दिन में तो बना नहीं, क्योंकि हम लोग इसको रोकते ही नहीं है, उसके लिए कोई मुहिम चलती ही नहीं है।
आप अखिलेश जी के हंसने पर सवाल उठाइए, मुझे उसमें कतई कोई गुरेज नहीं है, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई, वो फिर छूट जाएगा, साल डेढ़ साल बाद वो फिर से सत्संग शुरू कर देंगे, कभी निर्मल बाबा आ जाते हैं, कभी कोई बाबा आ जाते हैं, और ये एक यूपी की समस्या नहीं है, आसपास राजस्थान हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, कहीं देख लीजिए, सब जगह। पुष्कर जी मेरी आवाज आ रही है? जी कंचन जी, जी जी जी, बरखा जी आता हूं मैं। मैं ये कह रही हूँ, हाँ बोलिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रोग्राम ये कथावाचक लोग कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ जब कैपेसिटी एक रूम की 10 लोगों की है तो 20 तो क्यों सरकार का, तो ये सरकार और प्रशासन क्या करेंगे? जब आप बोल रहे हो भीड़ कम आएगी, ये लोग गांव गांव में जाके भीड़ इकट्ठा करते हैं, भवाई लूटते हैं कि हमारे कथा में इतने पब्लिक आई, चाहे पब्लिक की जान चली जाए, और जब पब्लिक इतने मारे जाते हैं तो उसके बाद सारा दोष प्रशासन और सरकार पे मर दी जाती है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और इतनी आत्माएं वहां गई हैं, उन आत्माओं की शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत निंदनीय हुआ है, दयनीय हुआ है, ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, और इस तरह के कथावाचकों के ऊपर प्रतिबंध लगनी चाहिए। जिस तरह से आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कथा हुआ है जहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, अनगिनत लोग आ जाते हैं, प्रशासन संभाल नहीं पाती है, तो इस तरह का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, कथा नहीं होना चाहिए। मैं भी सनातनी हूँ, मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इस तरह से जब करेंगे तो कितने वे धर्म का सम्मान, ये मंच मैं इतना आपको भरोसा दिला दूं, धर्म का सम्मान, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं,